वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे आज के प्रॉफिट की। और आज हमने बुक किया है प्रॉफिट 31,970 रुपीज़ का, और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हमने बुक किया आज। आज है 29th of January 2020। तो चलिए चलते हैं हमारे एक्सेल सिक्स लेवल की कॉल जो हमने पोस्ट की थी। तो सबसे पहले अगर मैं नेचुरल गैस की बात करूँ तो उसका सेल जो लेवल है वो ट्रिगर हुआ था, मगर कुछ प्रॉफिट में जाने के बाद वापस वो ज़ीरो लेवल पर ही आ गया, तो इसीलिए यहाँ पर मैंने ज़ीरो लिखा हुआ है। जिंक मिनी की बात करें तो आज पहला लेवल ट्रिगर हुआ ही नहीं था और कॉल मैंने दी ही नहीं थी, और अगर सेकंड की बात करूं तो सेकंड भी ट्रिगर नहीं हुआ। एलमुनी ने सुबह हमें अच्छा खासा प्रॉफिट दिया और 1700 रुपीज़ का फर्स्ट लेवल पे हमें प्रॉफिट मिल गया था। नेक्स्ट तो मैंने उसके बाद दिया ही नहीं क्योंकि बन ही नहीं रहा था। सिल्वर मिनी की बात करें तो आज पूरा दिन सिल्वर मिनी में कुछ भी काम नहीं बना। गोल्ड मिनी की बात करें तो गोल्ड में भी जो है लेवल मैंने दिया था मगर ट्रिगर नहीं हुआ, और सेकंड हाफ में जब मैंने देखा कि कोई ट्रिगर के चांस ही नहीं है तो मैंने उसके बाद नहीं दिया। कॉपर के अंदर यहाँ पर देखिए हमने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया है 1 रुपये का, और 5000 रुपये का हमें यहाँ प्रॉफिट हुआ है। और उसके बारे में भी एक कॉन्ट्रोवर्सी हुई आज किसी एक सब्सक्राइबर के साथ, तो उस वो भी बात करूँगा इस वीडियो में आगे मैं। तो पहले ये बात करते हैं यहाँ पर, निकल ने देखिए फर्स्ट लेवल पे काम नहीं किया मगर सेकंड लेवल पे उसने अच्छा खासा हमें प्रॉफिट दिया और 18,500 रुपीज़ का हमें यहाँ प्रॉफिट हुआ। मेथा ऑयल का अगर हम बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट में ही हमें प्रॉफिट मिला 7900 का। लेड मिनी में भी हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिला और यहाँ पर 700 रुपये का हमें यहाँ पर एक बेनिफिट मिला। तो ओवरऑल प्रॉफिट की बात करें 33,800 रुपीज़ का हमें आज M6 के लेवल पे यहाँ पर प्रॉफिट मिला। निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज अच्छा काम नहीं हुआ, निफ्टी में हमें दोनों लेवल पे ही आज लॉस देखना पड़ा और प्राइस टच कर करके वापस वहाँ से आ गया, और बैंक निफ्टी में तो आज ट्रिगर ही नहीं हुआ। तो ओवरऑल जो आज हमें लॉस हुआ यहाँ पर 3630 रुपीज़ का लॉस हुआ। तो चलिए चलते हैं टेलीग्राम चैनल पर। और एक चीज़ और अपडेट मैं आपको कर देता हूँ कि मैं 31st के बाद व्हाट्सएप के ऊपर जो है वो कोई भी अपडेट नहीं दूंगा। जो भी मैं अपडेट दूंगा वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको दूंगा टेलीग्राम के ऊपर, जो हमारा ये टेलीग्राम का चैनल है, फ्री चैनल जो आप लोगों का है, राइट, यहाँ पर ही मैं अपडेट दूंगा आपको। और मैं इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ, और अगर कोई हमारे लिंक के थ्रू, क्योंकि हर वीडियो में मैंने लिंक डाला हुआ है इस चैनल का, यानी कि ये जो टेलीग्राम चैनल है, अगर आपको नहीं मिलता है तो आप अगर सर्च में भी क्रूड बुल लिखेंगे तब भी हमारा ये क्रूड बुल भी डालेंगे तो आ जाएगा, और आप वहाँ पर जाके ज्वाइन इसको कर सकते हैं अगर इनकेस अगर लिंक के थ्रू अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो, राइट। और तो देखिए सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि मैंने कब पोस्ट की थी कॉल्स, राइट। तो मॉर्निंग में अगर हम बात करें आज की, तो आज मैं लेता हूँ डेट, एक मिनट रुकिए, ये देखिए आज 9:43 पे, और मॉर्निंग में मैं एक इम्पोर्टेंट कॉल पे था तो मैंने आज इसको थोड़ा सा लेट पोस्ट किया है। तो ये थे मॉर्निंग के लेवल जिस पे मैंने आपको बात की। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्लिक पे क्लिक करें तो ये था नेक्स्ट निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स, और उसके बाद देखिए उसके बाद क्या हुआ, ये लॉस हुआ हमें 1300 रुपये का फर्स्ट हाफ में, ये ट्रिगर नहीं हुआ। सेकेंड इमेज पर अगर आप देखेंगे तो सिर्फ मॉर्निंग में हमें 1700 रुपीज़ का प्रॉफिट यहाँ पर हुआ था, 5000 का यहाँ पर और 7900 का यहाँ पर, और उसके बाद सेकेंड लेवल्स मैंने दिए थे। और अगली अगर बात करें तो एक चीज़ और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, तो भाई अननेसेसरी मैसेजेस मत कीजिए, और इसीलिए आज मुझे वांटेडली और अनवांटेडली ये चीज़ डालनी पड़ी यहाँ पर कि भाई प्लीज़ मत कीजिए। अगर 300 लोग मुझे मैसेजेस कर रहे हैं डेली, क्योंकि देखिए 12-13 हज़ार से ज़्यादा का सब्सक्राइबर बेस हो गया है हमारा यूट्यूब के ऊपर, और 2000 आपके सामने, 2000 से ज़्यादा यानी कि 2050 हमारा बेस है टेलीग्राम के ऊपर, तो आप सोच के देखिए 257 हमारे पास है व्हाट्सएप के ऊपर, तो 300 लोगों का मैसेजेस मेरे पास आ ही जाते हैं, उससे ज़्यादा के ही आ जाते हैं अगर मैं फ़ोन कॉल्स और मैसेज मिलाऊं तो। आप मैं 3 मिनट भी अगर मैं देता हूं तो 15 घंटे हो जाते हैं, वो 15 घंटे मैं कैसे दूं आप लोगों को, और उसके बाद अगर मैं आपको फटाफट फटाफट इग्नोर मारना चालू करता हूं और आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं करता हूं क्योंकि मुझे अनवांटेड या अननेसेसरी मैसेज लगते हैं, तो फिर आपको लगता है कि मैं एटीट्यूड दिखा रहा हूं, ऊपर से फिर आप और फालतू SMS करना चालू कर देते हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, राइट। उसके बाद देखिए रिज़ल्ट ही आया, जो सेकंड लेवल दिया उस पर ही आया जो मैंने आपको दिखाया था, और सेकंड रिज़ल्ट जो था हाफ का परफॉर्मेंस रिपोर्ट ये थी, ठीक है। उसके बाद ये था आज का हमारा ये। अब बात करते हैं पहले इसकी बाद में बात करेंगे इस बुद्धिजीवी की जो भी यहाँ पर आया था,
उससे पहले हम बात करते हैं पोजिशनल के अंदर अंदर आज हमने कोई ट्रेड नहीं डाली थी, और जो कल की ट्रेड की अगर मैं बात करूँ तो मैंने उसको तकरीबन 40 पे मैंने बोला था, 40 पोस्ट करते ही प्राइस चला गया था 30 पे, तो 30 पे चला गया था क्योंकि जब मैंने वापस इन प्रीमियम वाले पे डाला था मैंने, तो वहाँ पर मैंने लोगों को बोला था कि 30 पे इसको एग्जीक्यूट करना, अगर करना है तो 25 to 30। तो जब मैंने एग्जिट के लिए बोला था तो तकरीबन 22-23 पे था प्राइस, तो तकरीबन वही किसी को अगर 10 रुपये का लॉस हुआ होगा, किसी को 15 का लॉस हुआ होगा। तो मैंने अलाउ नहीं किया किसी को भी कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, क्योंकि मुझे वीडियो में तो मैंने आपको क्लियर कट बताया ही था कि प्राइस ऊपर जाएगा, मगर क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से मुझे था डर कि बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर कोई भी ऐसी न्यूज़ आ गई फेक तो मार्केट एकदम से गिर जाएगी, तो इतना रिस्क लेना ही क्यों है। 1,000 रुपये में अगर निकल रहे हैं हम बाहर पोजीशन से तो वो बेटर है, क्योंकि फर्स्ट हाफ में मुझे था कि लास्ट 1-2 घंटे के अंदर 30 रुपये का टारगेट तो हमारा आ ही जाएगा, और शायद 50 का भी आ सकता है, पर टाइम चला गया और प्राइस नीचे ही थोड़ा आया, तो इसीलिए मैंने 1,000-1,500 रुपये का लॉस बुक करवा दिया सबको कि लॉस बुक करके निकल जाओ, अगले दिन कैरी फॉरवर्ड मत करो। पर मैंने ये बोल दिया था कि जो रिस्की ट्रेडर है वो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और यही चीज़ मैंने वीडियो में भी बोली थी कि मार्केट कल गैप अभी ओपन होगी और जो रिस्की प्लेयर्स हैं वो अपनी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो इसीलिए मैंने कोई यहाँ पर अपडेट नहीं डाली है। राइट, आज कोई कॉल नहीं थी। लेवल की बात करें तो लेवल के अंदर आज हमने कॉल जो है डाली थी, और दोनों जो लेवल से आज फिर से ट्रिगर नहीं हुए, सेकेंड लेवल जो था वो ट्रिगर होते होते जो जो हमारा लेवल था आज का और ये जो लेवल था हमारा, दोनों ही ट्रिगर नहीं हुए, और मॉर्निंग में तो था ही बना ही नहीं था, और इस हाफ में हमारा ये जो लेवल था जो ट्रिगर होते होते बचा, बार मतलब ट्रिगर हो जाता तो अच्छा खासा हमें प्रॉफिट मिल जाता बाई साइड में, मगर 4-5 रुपये ऊपर से ही प्राइस घूम गया। और प्रीमियम ऑल इन वन में तो सारी वही कॉल्स डलती हैं जो हम सभी ग्रुप्स में डालते हैं, तो इंट्राडे को देखते हैं। इंट्राडे के अंदर आज मैंने पोस्ट की थी तकरीबन 3 कॉल मैंने पोस्ट की थी, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इंट्राडे में मैंने आज ही देखिए, उसके पहले मैंने कॉल पोस्ट की थी ये कि सेल करना है हमें 3852 पे, और पर जैसे ही मैंने पोस्ट की कॉल, जैसे ही एक कॉल मैंने पोस्ट की और ये ग्रुप के ऊपर रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट करते ही क्या हुआ, प्राइस ने टारगेट अचीव किया, और टारगेट अचीव करके यानी कि 4-2 का टारगेट जो था वो अचीव किया और वापस आ गया। ठीक है, अगर आप कॉल की टाइमिंग देखेंगे तो आप देख सकते हैं, पर हुआ ये कि क्योंकि जैसे ही मैंने पोस्ट की विद इन अ सेकेंड 42 को टच करके वापस आ गया, तो ये प्रॉफिट तो नहीं माना जाएगा, और ना ही उन लोगों को बेचारों को टाइम मिला होगा किसी को भी कॉल सेटअप करने का। तो हुआ ये उसकी वजह से जब लोगों ने कॉल सेटअप करी 50 के ऊपर, तो वहाँ पर फिर एक चांस था क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही थी, तो हुआ ये कि मार्केट का प्राइस गया 61 तक, हमारा स्टॉप लॉस जो था वो था 62 तक, तो स्टॉप लॉस हमारा हिट नहीं हुआ। वापस जब प्राइस आया तो मुझे लगा कि यहाँ से कहीं ना कहीं हमें निकल जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इतना हाईली वोलेटाइल मार्केट है, 10 रुपये का भी नुकसान अगर हम क्यों लेकर हम कम में ही निकल सकते हैं। तो जब प्राइस था कितना 3855 था, तो मैंने लोगों को बोला कि भाई सेफ प्लेयर जो एग्ज़िट कर जाओ और जो रिस्की हैं वो रुक सकते हैं, और जैसे ही मैंने ये मैसेज पोस्ट किया, आप अगर टाइमिंग देखेंगे तो कितना तकरीबन 3:50 और 51 सेकेंड पे मैंने ये मैसेज पोस्ट किया था। राइट, जब तक ये लोगों के पास डिलीवर हुआ होगा, जब तक लोगों ने पढ़ा होगा, अगला ही मिनट यानी कि देखिए ये 50 यानी कि ये 3:52 पे यानी कि 1 मिनट बाद ही, एग्जैक्ट 1 मिनट बाद ही प्राइस जो था वो 3850 पे था, तो कि पोस्ट करने के बाद जब तक लोगों ने पढ़ा होगा, डिलीवर हुआ होगा, फिर पढ़ा होगा, तो प्राइस था 3850। फिर मैंने लोगों को मैसेज, लोगों के मेरे पास आए तो मैंने उनको बोला कि भाई जो प्रॉफिट में निकल रहा है प्रॉफिट में निकल जाओ और काट दो। राइट, तो किसी ने प्रॉफिट में भी बुक किया 300-400 रुपये, किसी ने प्रॉफिट में भी अपनी पोजीशन को निकाल लिया, किसी ने 200-300 रुपये लॉस भी लिया, और किसी ने 500 रुपये भी लॉस लिया, मतलब जो बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट में निकल गया, और कोई रेट टू रेट भी निकल गया। राइट, पर सब हैप्पी थे कि हाँ ठीक है, मतलब निकल तो गए, 200-300 रुपये का लॉस कुछ नहीं माना जाता। उसके बाद क्या हुआ देखिए, उसके बाद दोबारा से पोजीशन बनी कितने बजे, तकरीबन 5:33 के ऊपर पोजीशन बनी इसी कॉल के ऊपर, यानी कि ऊपर वाली जो कॉल के ऊपर पोजीशन बनी, तो मैंने यहाँ पर लिखा कि अगेन गो विद द सेम ट्रेड। राइट, और सेम ट्रेड के लिए मैंने बोला, तो इसके लिए बोला, और इसी के साथ में थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि एक स्टॉप लिमिट कॉल भी अच्छी खासी बन रही है, तो मैंने यहाँ पर एक स्टॉप लिमिट कॉल भी डाल दी कि राइट, कि अगर कोई करना चाहता है तो कर सकता है, अगर सेल वही उसी कॉल के ऊपर सेल पे जाना चाहता है तो जा सकता है, और बाय का ये भी यूज़ कर सकता है, और कोई सिर्फ इसी इसी पे, क्योंकि देखिए काफ़ी सारे लोग थे जिन्होंने पहले ही, जब क्योंकि जब मैंने ये कॉल डाली थी, अगर आप उस पर देखेंगे स्क्रीन पर, जब मैंने लोगों को ये बोला था, फर्स्ट देर बाद ही प्राइस चला गया था कितना 59 पे 60 पे, तो काफ़ी सारे लोगों ने वहीं पर सेल कर दिया था और प्रॉफिट वहाँ से ईजिली बुक कर लिया था। तो
मुझे ये भी था कि ठीक है, काफ़ी सारे लोगों ने तो पहली कॉल यूज़ कर ही ली है, तो इसीलिए मैंने इसी टाइम पे ही ये दूसरी कॉल भी पोस्ट की थी। तो हुआ ये कि इस कॉल के ऊपर हमारा क्या हुआ, सेल जो था वो ट्रिगर हुआ, और सिर्फ 3 रुपये से। प्राइस नीचे तो गया मगर 3 रुपये से हमारा जो है 1500 रुपये का स्टॉप लॉस उसने हिट कर दिया, मिस हो गया हमारा टारगेट। मगर बाय साइड में तुरंत की तुरंत विद इन अ सेकेंड फ्लक्चुएशन ऊपर हुई और हमारा ट्रिगर हुआ, और तकरीबन अगर हम ओवरऑल प्रॉफिट की बात करें तो 1800 रुपये का प्रॉफिट था, मगर फर्स्ट टारगेट जिसने भी ब्रैकेट ऑर्डर में लगाया होगा तो उसका 1000 रुपये ही बुक हुआ होगा। तो इस हिसाब से देखें तो अभी हम 500 रुपये लॉस में थे यहाँ पर, मगर जो ये ट्रेड थी जो मैंने बोला था कि अगेन गो विद द सेम ट्रेड ऊपर वाली, वो वापस नीचे आई और 3834 के ऊपर वो गई। तो तकरीबन यहाँ से अगर हम देखें तो फर्स्ट टारगेट हमारा डन हुआ, तो तकरीबन अगर किसी ने फर्स्ट टारगेट लगाया होगा तो 1000 रुपये और मैक्सिमम 1500 रुपये तक ये प्रॉफिट गया था। तो ओवरऑल देखें तो इंट्राडे के अंदर आज हमें 500 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, मगर अगर उस तरीके से कैलकुलेट करें तो नो प्रॉफिट नो लॉस भी आप इसको कह सकते हैं। मगर जिसने दोनों तरफ प्रॉफिट कमाया राइट, वो अच्छा खासा प्रॉफिट में 1000-1500 रुपये में तो फिर भी निकल ही गया। तो उसके बाद हम बात करेंगे पोजिशनल की, हमने बात कर ली इंट्राडे की प्रीमियम में, तो वही था जो हम बाकी सर्विसेज का प्रीमियम पैक हमने बनाया हुआ है राइट, जिनको तीनों सर्विसेज ही चाहिए और इसमें और भी फैसिलिटीज़ हैं वो है राइट। अब हम बात करते हैं हमारे फ्री लेवल सर्विस की। अब फ्री लेवल सर्विस में मैंने आपको ये तो दिखाई दिया था कि आज हमारी परफॉर्मेंस क्या थी, क्या क्या हमने पोस्ट किया, मगर यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या थी, ये जो आदमी है क्या नाम है इसका, संदीप कुमार, ये जो संदीप कुमार भाई साहब जो हैं, ये आज इन्होंने बड़ा इरिटेट किया, और इनको इतनी समझ नहीं है, इनके अंदर इतनी बुद्धि नहीं है कि अगर कोई बंदा ये बोल रहा है कि सर मेरे पास टाइम नहीं है और मैं आपके अननेसेसरी क्वेश्चंस का टाइम रिप्लाई नहीं कर सकता हूँ, फिर भी ये आदमी इतना खाली है, इतना वेला है, इतने बड़े बड़े मैसेजेस जो है पोस्ट करे जा रहा है, और देखिए क्यों कर रहा है। आपको थोड़ा सा मैं आपका टाइम लूँगा, फटाफट से आपको मैं पढ़ाऊंगा नहीं, मगर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, ताकि अगर कोई और भी है तो इस वीडियो के जो थ्रू मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा, भाई इतना मैं खाली नहीं हूँ, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल पर रहिए, और आपको अच्छा नहीं लगता तो चैनल छोड़िए और निकलते बनिए यहाँ से राइट। आपको जिसका चैनल ज्वाइन करना आप उसका ज्वाइन कीजिए, मुझे किससे कोई सरदर्दी नहीं है, मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है राइट। अब देखिए अननेसेसरी मैं इसको बार बार बोले जा रहा हूँ कि सर मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, और मैसेज पोस्ट करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है। भाई क्या मैंने लर्निंग क्लास खोल रखी है कि यहाँ पर ट्यूशन क्लासेस देता हूँ मैं यहाँ पर, या मैंने इंस्टीट्यूट खोल रखा है? नहीं खोल रखा ना, मैं वीडियो पोस्ट करता हूँ अपनी मर्ज़ी से, तुम्हें देखनी है तुम देखो अपनी मर्ज़ी से, मैं यहाँ कोई फालतू के अंदर किसी को पैसे लेके वीडियो नहीं बना रहा हूँ, यहाँ पर फ्री में दे रहा हूँ, देखनी है देखो, नहीं देखनी मत दो मत देखो। मैं यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा हूँ तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों ने मुझे खरीद लिया है कि हाँ भाई आप तुम्हारी वीडियो हम देखते हैं तो तुमने हमने तुम्हें खरीद लिया है और तुम हमारे सभी क्वेश्चंस के जवाब दोगे। बेमतलब में अनवांटेडली देखिए बोले जा रहा है यहाँ पर, है ना, अपनी बात में देखिए यहाँ पर क्या कह क्या रहा है। देखिए ये अब इतनी सारी तो बातें हम क्या करेंगे, देखिए अब ये कह रहा है कि बाय और सेल का लेवल ये था, तुमने प्रॉफिट जो है यहाँ पर 5K प्रॉफिट जो है 5000 प्रॉफिट तुमने कैसे बुक कर दिया, अभी करंट प्राइस तो ये है ठीक है। मैंने इसको बोला कि भाई जाके पहले चेक कर ट्रिगर प्राइस क्या था मॉर्निंग का और हाई प्राइस हाई कितना गया है ठीक है। उसके बाद भी फिर ये बोले जा रहा है, फिर मैंने कहा भाई कैलकुलेट कर और अपना होमवर्क जो है ढंग से कर, तूने जो चीज़ मिसिंग मिसिंग जो तेरा पार्ट है जो तूने नहीं देखा वो जाके देख, उसके बाद देखो डिस्कस करना है ये करना है, क्या बाद में बात कर सकते हैं हम फ्री टाइम में। मैंने कहा भाई नोट हैव टाइम टू डिस्कस दीज थिंग्स सर, है ना। और फिर उसके बाद फिर कह रहा है नो प्रॉब्लम आई डोंट वांट टू फॉलो ब्लाइंडली, ठीक है भाई मत करना ब्लाइंडली, किसने कहा है, पर बकवास भी तो मत कर, मत कर तू फॉलो कर, तू देख आराम से, किसने कहा तेरे को फॉलो करना। फिर मैंने कहा भाई नो वन इज़ ब्लाइंड हेयर राइट एवरीवन, बट मेक श्योर डू प्रॉपर होमवर्क, है ना। तो उसके बाद देखो फिर यहाँ पर ये पोस्ट कर रहा है तो कि भाई ऐसे से पोस्ट ऐसे से कि ट्रिगर हुआ होगा, बाय साइड हुआ होगा, सेल तो गया नहीं ठीक है, इस तरह की जो है ये कर रहा है यहाँ पर। मैंने फिर इसको एक रेफरेंस वीडियो भी भेजी क्योंकि क्लेरिफिकेशन मांग रहा था, मैंने रेफरेंस वीडियो भेजी कि देख भाई ऐसे लेवल काम करते हैं और तू यहाँ पर देख सकता है। उसके बाद फिर देखो फिर से लिख रहा है आई हैव गोन थ्रू दिस वीडियो। अरे मेरे भाई जब तू वीडियो को गो थ्रू कर चुका है तो और क्या चाहिए, और क्या प्रसाद लेगा हनुमान जी का, क्या चाहिए, जब क्या तू गो थ्रू किया तूने वीडियो को, तुझे वीडियो देख के ही ये समझ में नहीं आया कि लेवल काम कैसे करते हैं, करना कैसे है, और फिर तू लिख रहा है यहाँ पर कि भाई मैं वीडियो को देख चुका हूँ, तो तू घंटा देखा तूने वीडियो को। अरे मेरे भाई ढंग से देख वीडियो, समझ रहा है, ढंग से देख, ढंग से चीज़ों को ढंग से ऑब्जर्व करना सीखोगे ना तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। इस तरीके से सिर्फ ये मैसेजेस टाइप करने से, मैसेज मैसेज टाइप करने से चीज़ें नहीं आती हैं ठीक है। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है,
एंड इफ़ यू आर गेटिंग इरिटेटेड विद दीज वैलिड क्वेश्चंस देन गुड लक। फिर मैं इसको ये समझ में नहीं आ रहा, इतना पढ़ा लिखा आदमी है ये, इसकी चैट से समझ में आ रहा है कि पढ़ा लिखा प्रोफेशनल आदमी है, मगर इसको इसके अंदर इतनी बुद्धि नहीं है इस आदमी के अंदर कि भाई अगर कोई आदमी बोल रहा है कि सर मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं दे सकता हूँ आपको टाइम, उसके बाद भी देखिए यहाँ कह रहा है आई अंडरस्टैंड सर, क्या घंटा अंडरस्टैंड कर रहा है तू, यू आर डूइंग वेरी गुड। ठीक है भाई, दैट्स वाई आई सैड वी विल पोस्ट मार्केट आवर। ठीक है चलो भाई, ठीक है आदमी समझ गया कि हाँ भाई चलो ठीक है मेरे पास टाइम नहीं है, मार्केट आवर्स के बाद बात करेंगे। हमने भी हाथ जोड़ दिए कि सर आपका बहुत बहुत आभारी है हम। फिर देखिए उसके बाद फिर बकचोदी, अरे क्या है भाई, नशा करता है क्या, गांजा गांजा फूकता है क्या, है या इतना खाली है या बिल्कुल किस नशे भाई, कौन सा कौन सी सीसी का नशा करता है, कौन सा ऐसा कैसी अफीम खाता है, इतना तो समझ ले यार। आदमी हाथ जोड़ रहा है कि भाई ठीक है सर टाइम नहीं है, उसके बाद भी आई जस्ट वॉन्ट टू नो व्हाट इज़ द प्राइस ट्रिगर, आई जस्ट नीड द रेफरेंस, वन ऑफ माई फायर्स अकाउंट आई विल एक्टिवेटेड, देन हाउ विल आई प्लेस द कॉल विदाउट अंडरस्टैंडिंग, मैंने ठेकेदारी ले रखी तेरी, कैसे करेगा कैसे नहीं करेगा, तो वीडियो किस लिए भेजी थी, जब वीडियो के अंदर तो बड़ी बकवास कर रहा है कि हाँ मैंने इसको देख लिया ढंग से, क्या घंटा देख लिया तूने ढंग से, फिर जब तेरे को वीडियो देख के ये समझ में नहीं आया कि ये कैसे क्लैरिफिकेशन, अब क्लैरिफिकेशन के लिए क्या मैं तेरे अंदर घुस जाऊंगा भाई। सबसे बड़ी बात जिसके लिए मुझे गुस्सा आया, ठीक है क्या कह रहा है भाई साहब यहाँ, और इसी इसी लाइन की वजह से ये मुझसे सुन रहा है वीडियो के अंदर, किसी को भी तुम गलत कैसे बोल सकते हो, तुम्हारे पास अगर वैलिड प्रूफ नहीं है, तुम्हें खुद समझ में नहीं आ रहा कि हाँ भाई मैं क्या बोल रहा हूँ क्या लिख रहा हूँ क्या कर रहा हूँ, तो तुम किसी आदमी को गलत बोल दोगे, फेक बोल दोगे। हैं आज इसके फेक बोलने की वजह से तीन लोगों ने मुझे कॉल कर दिया, तीन लोगों ने मुझे मैसेज कर दिया कि सर मुझे पेड सर्विस चाहिए आपकी, मगर आई वांट अ क्लैरिफिकेशन, जो आप लेवल दे रहे हो सर आप उस पर, किसी का कमेंट आया कि वो तो फेक है, आप जो मतलब आप भी क्या यही चीज़ें कर रहे हो क्या जैसे दूसरे चैनल वाले करते हैं, जो मतलब एडवर्टाइज़ करते हो कि आज हमने 50,000 कमाए आज हमने 30,000 कमाए। मैंने कहा सर नहीं हम तो ऐसा नहीं करते, तो सर आपकी वीडियो पर कमेंट क्यों आया फिर, है ना। इस जैसे आदमी की वजह से आज तीन आदमियों ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछ लिया, इसका क्लैरिफिकेशन कौन देगा है? क्या लिख रहा है देखो यहाँ पर, ये आई कैन सी इट वेंट टू इतना, और फिर लिख रहा है खुद ही कि हाँ मैंने देखा कि ये पहले इतना इतने पे गया, एक रुपया हाई गया है। अरे मेरे भाई जब प्राइस हाई चला गया मेरे प्राइस को टच करके, तो प्रॉफिट बुक करेगा कि नहीं करेगा, हैं? फिर उसके बाद देखो कह रहा है, बट क्या लिख रहा है, देन इट्स नॉट अ डिडंट सस्टेन इन दैट पोजिशन। चलिए फिर मुझे चार्ट भी भेज रहा है, अब मुझे हंसी तो यूं आ रही है और गुस्सा भी आ रहा है, भाई ये क्या सीखता है, कौन कौन सा नशा करके ये ट्रेडिंग करता है, हैं? चार्ट भी भेज रहा, चार्ट भी बंदे को नहीं पढ़ना आ रहा यार, और बहस इतनी कर रहा है। उसके बाद मैंने इसको बोला यहाँ पर कि वन मोर मैसेज देन आई ब्लॉक यू, तो कह रहा है रिमूव मी। ठीक है अब भाई साहब जो है हमारे, अगर आपको मैं दिखाऊं एक YouTube और खोलता हूँ यहाँ पर, देखिए उसके बाद जो इसने कमेंट किए ना, उन कमेंट्स की वजह से मेरे पास मॉर्निंग से अब तक जो है इसके कमेंट्स क्या, तीन कॉल आ चुके हैं, जो मेरे बिजनेस का जो लॉस यहाँ पर हो रहा है, लोग मुझ पे शक कर रहे हैं, लोग मुझे उसी कैटेगरी में लेंगे ना, लोग मुझे उसी कैटेगरी में कि हाँ भाई ये भी जो है ना फर्जी दिखा के मतलब ये दिखा के कि हाँ भाई इतना प्रॉफिट हो रहा है उतना प्रॉफिट हो रहा है, और इस तरह की जो ये हरकत करता होगा, ये भी करता होगा भाई। अब एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, रुकिए थोड़ा सा है यहाँ पर, हम दिखाते हैं आपको, ये देखिए ठीक है भाई साहब क्या कह रहे हैं, देखिए हमारे यहाँ पर देखिए, माई एक्सपीरियंस विद यू इज़ रियली वेरी बैड, यू गिव फॉल्स डाटा एंड शो फेक प्रॉफिट। ठीक है अब इससे कोई पूछे कि तू तेरे पास क्या प्रूफ है भाई कि ये फॉल्स और फेक जो है प्रॉफिट मैं देता हूँ, उसके बाद क्या कह रहा है, गिव गाइज बी अलर्ट, अच्छा बी अलर्ट सेम ऑफ दिस फ्री कॉल्स एंड फेक टूडे ही प्रोवाइडेड द चार्ट फॉर कॉपर एज एग्जाम्पल भी दे रहा है। फिर देखिए इसकी समझदारी देखिए, ये इतना बेशरम आदमी है कि बिना प्रूफ के किसी को भी ये चोर कह सकता है, राइट। ये उन लोगों में से है जो अपनी खुद की ले लेते हैं ये, है ना, और देखिए पोस्ट भी कर रहे हैं यहाँ पर, ये प्रूफ भी पोस्ट कर रहे हैं कि हाँ मैं बेवकूफ़ हूँ और मैं बहुत बड़े वाला सी हूँ। यहाँ देखिए फिर क्या कह रहा है, वी कैन सी देन इट वेंट टू 339.5, ठीक है जी 1 रुपीज़ हायर, बट विद इन अ सेकेंड सॉरी विद इन अ मिनट
इट फॉल्स टू 436, देन हाउ इट्स अ लॉस इफ डोंट सस्टेन इन दैट पोजिशन. ये लाइन ध्यान से पढ़िए, हाईलाइट कर रहा हूँ ये तीन लाइन्स देखिए, ये वाली वी कैन सी दैट इट वेंट टू 439.5, एक पॉइंट हाई गया ठीक है, बट विद इन अ मिनट्स इट फॉल्स टू 436, देन इट इज़ अ लॉस, इट डिडंट सस्टेन इन दैट पोजिशन. ठीक है, अब इस गंजेड़ी को अभी मैं दिखाता हूँ भाई, पक्की बात है गांजा फूक के ना, ये उन लोगों में से है जो नाकों में से भी गांजे फूक लेते हैं और इतना नशा कर लेते हैं, इतना नशा कर लेते हैं कि भाई इनकी दुनिया में ना मतलब अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं, इनके लिए दिखती है बीच का जो टाइम है ना ये नहीं दिखता. अब मैं दिखाता हूँ, देखिए ये लेवल का अब तक गया प्राइस 439.50, ठीक है जी. मॉर्निंग कब खुला प्राइस 9 बजे, यहाँ पर प्राइस क्या था ऊपर देखिए, तीनों सेम होंगे 437.60. अगला देखिए 15 मिनट का कैंडल चार्ट है, 437.60, अगले 15 मिनट पर भी सेम प्राइस, अगले 15 मिनट पर भी सेम, अगले 15 मिनट पर भी सेम, 10-15 के ऊपर एकदम से प्राइस भागा ऊपर, मेरे बाय लेवल को इसने ट्रिगर किया और पहुंच गया बिल्कुल यहाँ पर ऊपर, यानी 1 रुपये ऊपर. ठीक है, अब देखते हैं इसने स्टॉप लॉस कब हिट किया. आगे आ जाइए 10-15 से 10-30, 10-45, 11-15, 11-30, 11-45, 12-15 और 12-30. ठीक है भाई साहब, 2.5 घंटे तक प्राइस जो है वो तकरीबन 2.5 घंटे तक प्राइस जो है वो कहाँ किस पे था, 439, यानी कि 10-15 से लेकर 12-30 तक प्राइस था 439.50, और ये भाई साहब गांजे के नशे के अंदर पता नहीं किसी दुनिया में थे, ये प्रॉफिट ही नहीं बुक कर पाए इन भाई साहब को पता ही नहीं है कि भाई जो प्राइस है वो अगले 2.5 घंटे तक जो है इसी लेवल पे घूम रहा था. इनके हिसाब से जो बीच का जो टाइम था ना ये इनका गांजा फूकने का टाइम था, इसीलिए प्राइस जो था वो गया ही नहीं. इनके हिसाब से 2.5 घंटा कुछ मायने नहीं रखता, इनके हिसाब से 2.5 घंटा नहीं है, ये है 1 मिनट कि प्राइस ने ट्रिगर किया और वापस प्राइस जो है नीचे भाग के स्टॉप लॉस हिट कर दिया. फिर से बोल रहा हूँ दोबारा, अगर किसी ने भी फ्री ग्रुप में से या चाहे वो पेड ग्रुप हो, अगर फालतू कमेंट्स किए, अगर आपके पास वैलिड रीज़न है, वैलिड प्रूफ है, आप बिल्कुल पोस्ट कीजिए, मोस्ट वेलकम है. अगर मैंने गलती से कुछ गलत लिखा है तो मैं अपोलॉजी लेता हूँ, बोलूँगा आपको कि सर सॉरी, मैडम सॉरी, मुझसे गलती हुई, मैंने गलत तरीके से पोस्ट किया और मैं इसको एडिट करके अभी मैं ठीक करता हूँ. पर इस गंजेड़ी आदमी की तरह अगर दोबारा आपने किसी ने भी इस तरह की नॉनसेंस हरकत की और बिना किसी प्रूफ के अगर आपने दोबारा से बोला कि ये फेक है, फॉल्स डाटा है और फेक प्रॉफिट है, तो जैसे इस गंजेड़ी की बेइज्जती कर रहा हूँ ना वीडियो पे, और अभी इस वीडियो को 1000 लोग सुनेंगे, 1000 लोग देखेंगे, सुनेंगे और हंसेंगे, अगली वीडियो में आपका नंबर हो सकता है अगर इस तरह की हरकत हुई तो, क्योंकि यहाँ मेहनत लगती है, यहाँ मैं कोई गांजा फूक के यह वीडियो नहीं बनाता हूँ, मेहनत लगती है यहाँ पर. ठीक है, सारे M6 के लेवल जब निकालने बैठते हैं तो मेहनत लगती है, आपके लिए बड़ा इजी होता है वीडियो खोली और देख लिया, अच्छा ये लेवल है, फ्री ग्रुप ज्वाइन कर लिया एक अकाउंट खोल के, हाँ भाई लेवल्स उसमें मिल रहे हैं, उसके बाद बकवास चल रही है आराम से. यहाँ ना पूरे दिन बैठ के ना स्क्रिप्टें लिखनी पड़ती हैं, देखना पड़ता है कि कहाँ पे कैसे कुछ चीज़ जनरेट होगी, यहाँ मेहनत लगती है. जिस दिन इतनी मेहनत करोगे ना, और जब कोई लोग तुम्हें ये बोलेंगे कि हाँ भाई फेक आदमी है, उस दिन तुम्हें पता चलेगा. कई लोग कहते हैं कि सर आप इतना हाइपर क्यों जाते हो, भाई जब मेरी की तरह ना 15-15, 16-16 घंटे बैठ के यहाँ आंखें फोड़ेगा ना कंप्यूटर के आगे और स्ट्रैटेजीज बनाएगा, उसके बाद सक्सेस रेट नहीं आ रहा, कभी कुछ आ रहा है और कभी 100 लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर ये काम नहीं कर रही, सर ये काम कर रहा है नहीं कर रहा, उस दिन तेरे को पता चलेगा कि फ्रस्ट्रेशन क्या होती है. जिस दिन प्रॉफिट बुक करवाने के बाद भी लोग ये बोलेंगे ना तुम्हें कि फेक आदमी है, फेक प्रॉफिट शो करता है, उस दिन तुम्हें पता चलेगा फ्रस्ट्रेशन लेवल क्या होती है. सुबह नौ बजे एग्जैक्ट तुमको लेवल मिलते हैं, तुम्हें कॉल्स मिलती हैं और तुम्हारे साथ डेली की डेली में 12 से 1 बजे डेली वीडियो बना के फिर मैं बैठ के ले जाता हूँ, सोने के लिए जाता हूँ कि चलो अब सोया जाता है. उसके बाद भी आप लोगों के 1-1 बजे तक भी मेरे पास कई बार मैसेज आते हैं, उनके भी मैं रिप्लाई करता हूँ. भाई रोबोट नहीं हूँ मैं, गंजेड़ी नहीं हूँ, गांजा नहीं फूकता तुम्हारी की तरह. तो इसीलिए जो ये फालतू जो लोग हैं ना, ये सुधर जाएं, क्योंकि मुझे इतना फालतू वो नहीं है, मैं उन सभ्य लोगों में से नहीं हूँ, पढ़ा लिखा हूँ तुमसे बहुत ज़्यादा, उन सभ्य में से नहीं हूँ कि भाई जो तुम्हारी बकवास सुनूंगा मैं, यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने नहीं बैठा मैं यहाँ पे. हाँ अगर ऐसा कोई काम करूँगा मैं कि जो सही नहीं होगा तो आपकी बकवास भी सुनने के लिए तैयार हूँ, आपके जो नेगेटिव कमेंट्स सुनने के लिए भी तैयार हूँ, आपकी गालियाँ सुनने के लिए तैयार हूँ,
मगर अगर मैं कोई ऐसा काम नहीं कर रहा हूँ जिसकी वजह से मैं किसी की गाली सुनूँ, बकवास सुनूँ, तो जैसा मेरा रिएक्शन आज है आगे भी ऐसा ही रहेगा। आपको अच्छा लगे तो चैनल पर रहिए, आपको अच्छा ना लगे आप चैनल छोड़ के जा सकते हैं। मेरी तरफ से कोई भी मुझे दिक्कत नहीं है, मुझे यहाँ पर उस तरह की भीड़ नहीं चाहिए फालतू लोगों की। मुझे सिर्फ वो लोग चाहिए जो प्रोफेशनली ट्रेंड होके प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं और सीरियस है ट्रेडिंग को लेकर। इनकी तरह नहीं कि पोस्ट कर रहे हैं, मतलब चीज़ें क्या पोस्ट कर रहे हैं, अपनी खुद ही बेइज्जती करवा रहे हैं। अरे कम से कम पोस्ट करने से पहले भाई चेक तो कर लो 10 बार कि यार अगर किसी ने ढंग से देख लिया तो तुम्हारी कितनी बेइज्जती होगी। पर वो उसका डर नहीं है, उसका डर नहीं है, मगर दे पोस्ट दे पोस्ट दे पोस्ट। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, दोबारा इस तरह की हरकत नहीं, राइट? नहीं तो मुझे बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगी सर्विस बंद करने में फ्री वाली। ये जो है ना सामाजिक सेवा जो कर रहा हूँ ना, समाज सेवा, ये तभी कर रहा हूँ कि मुझे पता है कि मेरे पास बहुत सारे बंदे ऐसे भी होंगे जो मुझे पेड सर्विस पैसा नहीं दे सकते हैं, पर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ये, मैं हर आदमी को कुछ ना कुछ दूँ, चाहे वो फ्री में हो चाहे वो पैसे में हो, राइट? जिसकी जो इच्छा हो वो कर सकता है, मगर मेरे पास मेरे चैनल पर हर आदमी के लिए उतना ही सम्मान, उतनी ही इज्जत और उतनी ही सर्विसेज होनी चाहिए जो एक पेड के लिए है एक फ्री वाले के लिए। मेरे लिए सब जो है इक्वल है। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।